क्या हो गया इदरीस भाई यहाँ पे? अरे यार पाइप फट गया, गाड़ी का पाइप फट गया। हे गाइस सलाम वालेकुम, आज हम जिस जगह जा रहे हैं बहुत सीक्रेट है, और ये रही मेरी गाड़ी। थोड़ी गाड़ी गंदी हो गई है, गाड़ी को सर्विस भी कराना ज़रूरी है। अभी हम निकल पड़े हैं उस जगह पे, थोड़ी देर में आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। भाई डर तो लग रहा है, रियली स्नेक है। भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं आज नया बंदा मिला हूँ इदरीस भाई से। साढ़े बारह कितना? साढ़े बारह रियाल, साढ़े बोरो रियाल। क्या हो गया इदरीस भाई यहाँ पे? अरे यार पाइप फट गया, गाड़ी का पाइप फट गया। गाड़ी का पाइप फट गया, फिर क्या होगा? वापस गाड़ी लेके जाना पड़ेगा वर्कशॉप। ओ बहुत मसला हो गया फिर तो। कितना खर्चा आ गया इसमें? लग गया 200-300 का घाटा। तो यहाँ पे पाइप फट गया, यहाँ पे पाइप है तो फट गया है। और इदरीस भाई बहुत टेंशन में है, कैसे होगा? जहाँ जाने के लिए प्लानिंग था वो लग रहा है अभी कैंसिल होने वाला है, क्या है? लेकिन टारगेट लग रहा है मुकम्मल करके ही छोड़ेंगे। सता भी तो बुलाना है ना, गाड़ी भी बुलाना है, उसके लेके जाना पड़ेगा। गाड़ी तो चलेगी नहीं ऐसी, वो देखो गाड़ी आ रही है। हाँ लग रहा है गाड़ी हमारा आ रहा है यहाँ पे, इसी गाड़ी पे लोड करके लेके जाएंगे, फिर इसको सही कराएंगे। ये गाड़ी आ चुकी है। नहीं है भाई ये दूसरा गाड़ी है, ये दूसरा है, अपना वाला गाड़ी आया नहीं, पहले ही से लोड करके लेके जा रहा है। हमारा लग रहा है गाड़ी नहीं आया है, फोन लोकेशन भेज दिए हैं, आएगा धीरे धीरे, जब तक यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हे गाइस सलाम वालेकुम, गाइस हम फाइनली यहाँ आ चुके हैं, आपको दिखाते हैं इसका पीछे का व्यू। इससे पहले व्यू दिखाएं, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, और दम्माम में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक अच्छी प्लेस है जो विज़िट कर सकते हो, एक एंजॉय कर सकते हो प्लेसेस को, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने की मिलेंगी। चलिए दिखाते हैं। और गाइस ये है डॉल्फिन विलेज, यहाँ पे आपको डॉल्फिन वगैरह देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे जोकर्स भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एन्जॉयमेंट्स वाली चीज़ें हैं ना यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो आप इस चीज़ पे, इस जगह पे आइए, इस जगह पे आके इस जगह को, जगह का पूरा मज़ा लीजिएगा। चलो मेरे पास है, दे देता हूँ। इसमें क्या क्या बोलेगा मिलेगा, अंदर जाके पता चलेगा क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या क्या है नहीं है। अभी हम आए हैं अंदर, अंदर का नज़ारा ये देखिए, ये एक जोकर है और एक ये घोड़े वाली गाड़ी है, और छोटा वाला घोड़ा भी है। बच्चों का खेलने का किड सेंटर भी है यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये बच्चों का खेलने का सेंटर भी है, और भी बहुत सारी जगहें हैं। ये देखिए पूल में खेलने के लिए, बच्चों को आने के लिए ये भी है जगह, बहुत सारी जगह हैं माशाल्लाह। और ये बच्चों को खेलने के लिए छोटी गाड़ियाँ भी हैं। हम लिए हैं टिकट डॉल्फिन फिश देखने के लिए, अभी अंदर जा रहे हैं, जाके दिखाते हैं आपको नज़ारा वहाँ का, देखते रहिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, थोड़े बहुत मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा सारे चीज़ों को। बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे ये भी है बोटिंग मोटर, ऐसा है बहुत सारे।
सारे माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे नहीं कि वो बच्चों का खेलने का जगह है, यहाँ पे गार्डन का एरिया है, आप बैठ भी सकते हो। ये है कुछ नज़ारा यहाँ का डॉल्फिन विलेज का। बच्चों को खेलने के लिए माशाल्लाह बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत सारा प्ले एरिया है, और ये भी मुमकिन पानी वानी हुआ होगा इसके अंदर पूल के जैसा। हाँ, ये पूल के जैसा ही है, मगर अभी तो बंद है ये चीज़। ये ज़्यादातर थर्सडे और फ्राइडे ही ओपन होता है क्योंकि छुट्टी होती है लोगों को। और ये है छोटे गाड़ी बच्चों को खेलने के लिए, ये बच्चों को खेलने के लिए गाड़ा ये एरिया है, यहाँ पे छोटे कार्स होते हैं, कार्स में बच्चे खेल सकते हैं। और ये चले हम एक ऐसी जगह गोसी हाउस, यहाँ पे भी जाके देखते हैं क्या चीज़ है, जो चीज़ें समझ आएगी। एक कार रखी है फेरारी के जैसी, देख सकते हो, जैसे कि फेरारी के जैसी है मगर फेरारी नहीं है। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो एन्जॉयमेंट मिलता है बच्चों से। और एक जहाज़ है, जहाज़ भी है माशाल्लाह कवरअप करने के लिए। एक गोरिल्ला हाउस है और ये गोसी हाउस है, उनके डरावने लगता है यहाँ पे। डॉल्फिन फिश सेंटर अभी किधर है, डॉल्फिन विलेज किधर दिखती है ये तो पता नहीं, देखेंगे तरतीब करेंगे जाके बताएंगे आपको। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। भाई डर तो लग रहा है, रियली स्नेक है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो हो जाए। हम जा रहे हैं यहाँ पे अंदर, यहाँ पे कुछ जानवर हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये वाला, ये देख आपको पता होगा इसका, इसको क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ में खरगोश हैं, खरगोश की वैरायटी है माशाल्लाह। और देखो ये मुर्गी है, इसको भी क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा इसको क्या कहते हैं। और ये हैं मे बी पर्शियन कैट है, ये पर्शियन है, अच्छा है माशाल्लाह अंदर का व्यू। और ये देखो भाई, ये है मुर्गे, इसका नाम मुझे पता नहीं, आप बताइए मुझे कमेंट करके कैसे लगा आपको ये व्यू। और ये चीज़ देखिए, ये भाई साहब ऊपर बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं भाई साहब बैठ के ऊपर आराम से, ऐसे नहीं कि आप फोन वोन ले ले कुछ, फोन लेके चले जाए अंदर, क्या कर रहे हैं भाई साहब। भाई साहब पिंजरे में कैद हैं, और ये हैं थोड़े फिशेस मछली, ये देखिए नीचे है मछली वगैरह सब कुछ। और इसका व्यू चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा है, इसका व्यू बस चेक करें, रियली अल्टीमेट सा नज़ारा आ रहा है। ये हैं तोते अच्छे व्यू के साथ, और छोटे से एक्वेरियम में थोड़े फिशेस भी हैं, चेक करो। यहाँ पे कबूतर वगैरह हैं, अलग अलग वैरायटी हैं कबूतरों की, देख सकते हो अलग 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 कैटेगरी के जो बर्ड्स हैं। और ये हैं मोर, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में मोर कहते हैं। ये देखो भाई, ये तो सो रहा है माशाल्लाह, कितना प्यारा है, सामने से अच्छा लग रहा है।
आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, मैं ऊपर से एक बार दिखाता हूँ। अच्छा है व्यू माशाल्लाह। और ये देखो तांबिल, हाँ भाई चेक करो, सब लोग रात का समय आराम कर रहे हैं भाई। ये देखो बतख, ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे डॉल्फिन विलेज में। अच्छा है ये देखो बड़ा वाला बतख, हाय हेलो। ये है बड़ा वाला बतख, रियली देखने में कितना मस्त लग रहा है, सामने से जब आओगे आपको पता चलेगा। मुमकिन खाने के लिए कुछ मांग रहा है, हम तो कुछ लाए नहीं है अभी खाने के लिए या इनको देने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर कुछ साथ में लेके आएंगे खाने वाने के लिए। इसको देखे तो बतख के जिसे नहीं लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा साइज़ है इसका। मुमकिन छोटे बतख तो मैंने देखा हुआ है, मगर बड़े बतख अभी तक मैंने देखा नहीं है। ये थोड़ा साइज़ इसका बहुत बड़ा है, साइज़ बड़ा है। देखो छोटे बतख ये होते हैं कि मैंने जो देखा है ना, ये आपको दिखाता हूँ, ये है जो छोटे बतख मैंने देखा है। कि आपने देखा है बड़े बतख ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत अल्टीमेटली एक फील आती है आपको ये चीज़ सारे चीज़ें देखने के बाद। यहाँ पे मस्ट एंड शुड विज़िट कीजिए, होती है अलग अलग फीसें हैं यहाँ पे विज़िट करने के, 10 रियाल हैं। और आपको सी विलेज जो डॉल्फिन देखने की जगह है वो तकरीबन 27-29 रियाल पड़ जाएगा, मतलब है अच्छे 100-150 रियाल अगर बजट रख के आ रहे हो आप तो। यहाँ पे सारा एंजॉयमेंट आप करके जा सकते हो। और वैसे यहाँ की एंट्री फीस जो है ना वो मुमकिन 10 रियाल है, 10 रियाल हमने पे किया था एंट्री फी, 10 रियाल ओनली, 10 रियाल, हाँ 12.5 कितना 12.5 रियाल 12.5 रियाल। ये भाई साहब को चेक करो भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, ऐसे नहीं भाई साहब, तुम गंदी हरकत कर रहे हो यार। गंदी हरकत नहीं दिखाऊंगा मैं, गंदी हरकत कर रहे हैं भाई साहब।
गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये तो जरूर करना है, क्योंकि हर बार हर वीडियो के अंदर आपको बताते रहता हूँ, इस बार जरूर से करना है। और दोस्तों से शेयर कीजिए। कुछ कहना है? मैं आज नया बंदा मिला हूँ इदरीस भाई से, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, इनका ब्लॉग सब अच्छा आना है, मैं यही चाहता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी भाई ने बता दिया, आप लोग अपना फर्ज निभाइए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी टॉपिक के साथ, अच्छे प्लेस के साथ, अच्छे व्यू के साथ। अस्सलाम वालेकुम।